आम आदमी के सिपाही को कांग्रेस ने शहर अध्यक्ष बना, संगठन में जान फूंकने का किया प्रयास। अध्यक्ष बनने के बाद पहला शहर प्रवास रहा जोरदार, फूलमालाओं की कमी पड़ गई। यूथ के बीच में सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से एक गुरमीत सिंह मंगू को कांग्रेस पार्टी ने रीवा शहर अध्यक्ष की कमान सौंपी है। गुरमीत सिंह ने नर्मदा परिक्रमा करने के बाद बतौर अध्यक्ष अपना पहला कदम रखा। गोविंदगढ़ होकर रीवा की धरती पर स्वागत का सिलसिला रीवा दर्शन ने सिलपरा से कवर किया। काफिला आगे बढ़ा, भीड़ बढ़ती गई, उसी तादाद में फोर व्हीलर गाड़ियां भी काफिले में शामिल होती गईं। मंगू को फूल मालाओं से लाद दिया गया, कोठी कंपाउंड के सारे फूल बिक गए। कांग्रेस के तमाम लोग एक एक कर स्वागत में शामिल हो गए। जो नहीं हुए उनके प्रतिनिधि मंगू की रैली में दिखे। कहा जा सकता है कांग्रेस रीवा शहर से गंभीर, कहीं यह भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए खतरे की घंटी न बन जाए। जमीन से जुड़े नेता जिसे आम आदमी का सिपाही कहा जाता है, कांग्रेस का शहर अध्यक्ष बन गया। तमाम गुट के कांग्रेसी एक मंच में दिखने लगे। आगे आने वाला समय राजनैतिक रूप से दिलचस्प होगा, जिस पर रीवा दर्शन सहित तमाम शहरवासियों की नज़र होगी। रीवा शहर में यह कांग्रेस का लगातार तीसरा आयोजन था, जिसमें जनहित से जुड़े मुद्दे को लेकर कांग्रेसी सड़कों पर थे। जहाँ सबसे पहले अभय मिश्रा ने पंचायती ताकत दिखाई, वहीं गुड़ विधायक ने साइकिल, बैलगाड़ी, मटका लेकर भाजपा को घेरने का प्रयास किया। वहीं शहर अध्यक्ष ने ज्ञापन के माध्यम से भाजपा से पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग की। भैया दो मिनट रुक जाते हैं, नमाज चल रही है, हम लोग रुके आराम से, दस मिनट रुके, हाँ पाँच मिनट रुक जाए, नमाज आ जाएगी। सरदार भाई भाई हामिद भाई सलाम अलैकुम। नहीं हमने 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 इसी हिसाब से टाइमिंग रखा था। तो हम चंद्रेन जी पंचू भाई का स्वागत करें। अमित चतुर्वेदी जी आदरणीय बाबला तिवारी जी आ चुके हैं, विवेक तिवारी जी, मैं चाहता हूं अनूप सिंह और गौतम जी स्वागत करें भाई विवेक तिवारी जी का, और साथ में बोल रहा हूं हमारे साथ के चरणों में मैं ये दीपक सिंह प्रणाम करता है, नमन करता है, वंदन करता है। और सबसे महत्वपूर्ण यहां पे उपस्थित एक एक जन जो चिलचिलाती धूप में रीवा के एक एक कोने से आए हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के आन बान और शान के रूप में उपस्थित मेरा एक एक मतदाता और एक एक मेरा कांग्रेस का सिपाही, मैं सबको प्रणाम करता हूं, सबका सम्मान करता हूं इस मंच के माध्यम से। इसके बाद
मैं बात दो लाइनों से बात स्टार्ट करूंगा कि जिंदगी में हर दिन खास होता है, जिंदगी में हर दिन खास होता है, हर दिन का नया अंदाज होता है। हमारे सिरमौर जनपद के पूर्व जनपद अध्यक्ष आदरणीय दीपेंद्र सिंह जी, उनके बगल में बड़ा भाई प्रधान साहब, उनके बगल में किसान। आज ये अवसर कांग्रेस की नई अंगड़ाई और नई ऊर्जा का, और अगर सरल शब्दों में कहूं मुजीब साहब कि तारीख भी बदल रही है, तवारीख भी बदल रही है, और परिस्थितियां इस तरीके की है कि चाहे मैं हूं या मंगू हूं, हम लोग के परिवार में एक पारिवारिक शोक हुआ है, लेकिन मुझे तय करना था कि एक शुभ काम के अंजाम देने के लिए उनके साथ रहना आवश्यक था, इस वजह से मैं यहाँ हूँ, और उनको मालूम है कि हम लोग को कहाँ जाना है। लेकिन पिछले 19-20 वर्षों से गुरमीत मंगू को मैंने कॉलेज से लेकर के अभी तक में जो जज्बा और जो इरादा और दृढ़ इच्छा शक्ति जो लोगों के बीच काम करने की थी, गरीब लोगों के लिए काम करने की थी, उनका संघर्ष करने की थी, वो मैंने बहुत ही कम लोगों में देखी, और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे किसी परिवार में एक नई बहू आती है तो नया वो शुभ संकेत और नया सौभाग्य लेके घर पे आती है, और मैं कांग्रेस नेतृत्व को, शीर्ष नेतृत्व को, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के हस्ताक्षर से और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी, महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, दिग्विजय सिंह जी, अजय सिंह जी, राहुल, राजेंद्र सिंह जी और कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं, इंद्रजीत पटेल जी, उन सारे लोग की सहमति से गुरमीत सिंह मंगू का नाम शहर कांग्रेस कमेटी के लिए चुना गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सौभाग्य का आगमन अपने घर में अब शुरू हुआ है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो पुराने थे उन्हें बात नहीं थी, पर खेत उन्होंने बोया था, सिंचाई भी उन्होंने की थी, पर सही वक्त में ईश्वर की कृपा जिसके ऊपर होती है, तो गुरमीत मंगू वो सौभाग्य लेकर आए हैं, और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि इस बार उनके नेतृत्व में कांग्रेस जब चुनाव लड़ेगी, पूरे मनोयोग से, पूरे मन प्राण प्रतिष्ठा से, तो कांग्रेस निश्चित रूप से यहाँ परिणाम देगी, और मुझे 8 विधानसभाओं में पहली सीट सबसे ज्यादा आसान अगर कोई दिखती है, और मेरी इस बात से अगर मिश्रा जी भी सहमत होंगे कि वो सबसे अच्छी सीट कांग्रेस के लिए वो रीवा विधानसभा होगी। उसके पीछे वजह सिर्फ ये नहीं है कि मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने जो कार्य किए हैं उसमें जनता का कितना हित है और स्वयं उनका और उनके काकास का कितना हित है। गुरमीत सिंह मंगू जैसे युवा ऊर्जावान व्यक्ति को जो गुटहीन और सारे लोगों से संवाद करने की क्षमता रखते हैं उनको बनाया गया है, और राजेंद्र शुक्ला के बारे में बात करने से अच्छा है क्योंकि डॉक्टर विवेक तिवारी भी जानते हैं, मुजीब साहब भी जानते हैं, और सबसे ज्यादा रज्जी जानते हैं। शुक्ला जी के बारे में मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि बाजू तो मेरे आजमाए हुए हैं, मैं जानता हूं उनके बारे में बहुत अच्छे से, कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आया था तो 150 की बड़ी मीटिंग की थी, राजेंद्र शुक्ला जी ने इतना बड़ा जनाधार है उनका, पर उम्मीद रखता हूं कि गुरमीत सिंह मंगू के नेतृत्व में इस बार कांग्रेस रीवा विधानसभा में उनके नेतृत्व में निश्चित ही फतह और विजय को हासिल करेगी। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं उनसे अनुमति भी चाहूंगा कि थोड़ी देर रुक हम लोग को अनुमति देंगे, और कुंवर सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो ये देखा ये मेरा अपना है, क्योंकि मुझे संघर्ष करना था, काम करना था, ललक थी, सेवा करने की एक ललक थी, उस सेवा के कारण मैं राजनीति में आया, और मेरा यह सेवा
अनवरत चलती रहेगी। जैसे परवरदिगार से मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ और उसे मंच के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि मुझे ताकत देना। बहुत से समय ऐसे आए वो मुझे याद था और ये मेरे संघर्षों के कारण आज मुझे यह पद आदरणीय कमलनाथ जी और अरविंद की धरा के हमारे सारे नेताओं ने मेरा सहयोग किया और उसमें सबसे बड़ा सहयोग कमलनाथ जी का और उसके बाद आदरणीय अजय सिंह राहुल जी का है, उसमें सबके बाद सारे लोगों का है। मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन मुझे सबने प्यार दिया। जब भी किसी ने रीवा की धरती से, चाहे आदरणीय सुंदर लाल तिवारी जी हो, चाहे आदरणीय राजेंद्र, जब सबने पूछा कि मंगू के लिए ये करना है तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन यह उम्मीद सक्सेस तब हुई। सबने कहा नहीं, वो खट पिट करता रहता है, वो भैया मेरी बातों को समझ रहे हैं, खटपिट का कौन कहता है क्या करता है, कहीं वो खटपिट करता रहता है, मतलब कुछ करता रहता है और जो करेगा वो पाएगा। अभी मेरे भाई किसी ने कहा कि लेट हो रहा है, जाना है कलेक्ट्रेट। मेरे भाई कुछ और एक मित्र मेरे आए कि इन सब सवेरे से भूखे हैं, सब सवेरे 10 बजे से सेवा में लगे हैं, कांग्रेस परिवार की सेवा में लगे हैं। तो मैंने कहा बंटू भाई आप थोड़ा लेट कर दो, क्योंकि आज जो जागेगा तपेगा वो 6 महीने में विश्वास दिलाता हूं कि ये लोग संघर्ष करेंगे, सब आदरणीय संघर्ष करेंगे, इसलिए थोड़ा देर इंतजार कर लिया जाए। समय कम है, बातें बहुत है, लेकिन मैं इन 15 वर्षों पे अपने उन बचपन के दोस्तों का, उन साथियों का, और जो मैंने ये शहर के अंदर नई युवा टीम तैयार की कांग्रेस परिवार के लिए, अंकित सिंह, वसीम खान, पिंसू, सतन शर्मा, मेरे पिताजी के साथी सहयोगी आदरणीय रफीक रिवानी साहब, सज्जन पटेल साहब, धनेन, अनु, जगनिवास, मनीष, इन सब का बड़ा भाई, और राजनीति में कहीं ना कहीं इन सब का मार्गदर्शन भी कह सकता हूँ, क्योंकि मैं इन लोगों से इतना डांटता हूँ अंकित, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई कार्यक्रम हो इंजीनियर साहब शर्मा साहब, और ये बच्चे मुझसे डांट ना खाएंगे, फिर भी इनका प्यार है, डांट इसलिए खाते हैं, ऐसा करो ऐसा करो, स्वाभाविक है, आदमी चाहता है कि ऐसे करना ऐसे करना। ये बच्चे पूरे मन से, दिल से, सब चीज़ों से मेरे साथ रहते हैं, और आज मंच और मंच के सामने आदरणीय आई जनता, हमारे बुजुर्ग, हमारे माताएं, तो पहले तो मैं शुरुआत मंच से नहीं करनी थी, सामने से करनी थी, लेकिन आज छोटी मोटी गलतियों को माफ कर देना चाहिए, जैसे इंजीनियर साहब ने मुझे माफ किया। मैं रीवा की धरती को और मेरे सामने बैठे सारे बुजुर्ग और माताओं को, मैं चरणों को नमन करता हूं। और इस बिंद की धरा, इस बिंद की धरा में देश नहीं, प्रदेश नहीं, विदेश तक में अपना नाम रोशन करने वाले आदरणीय कुंवर अर्जुन सिंह जी को, आदरणीय पंडित श्रीनिवास तिवारी जी के चरणों को नमन करता हूं। लंबा संघर्ष है, मंच में बहुत सारी बातें आई, दिलीप भाई भी कुछ उल्टा सीधा कह रहे थे तो हमने टोका। आज का दिन एक कहावत है, छोटी सी है, बीती बात बुझार दे आगे की सुध ले। जो कुछ पीछे हुआ मेरे साथ भी बुरा हुआ, लेकिन मेरे साथ अच्छा भी हुआ, क्योंकि वो बुरा हुआ तो आज अच्छा हो गया। तो उस अच्छा करने के लिए, चाहे सामने हो चाहे मंच हो, सबको एक मन से काम करना पड़ेगा। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, और आज मुझे और खुशी होती कि आज मेरे पिताजी मेरे साथ होते, क्योंकि मुझे राजनीति में मना करते थे कि राजनीति मत करो, प्रहलाद सिंह जी को देख लो, कमलजीत सिंह जी को देख लो, रज्जी भाई साहब को देख लो। ईमानदारी से 3 लोगों का नाम लेते थे भैया, 3 लोगों का नाम लेते,
और कहते थे क्या करोगे, कुछ नहीं है, तो मैं बात नहीं मानता था, डांट भी खाता था, डांट भी मिलती थी। छोटे भाई लोग भी मेरा टेलर मुझे दे देते थे बीच बीच में, लेकिन फिर मैं लहा लेता था, वो मेरा बड़ा बड़प्पन है कि मैं उनको लहाता था, मैं समझता था, वो भी समझते थे। लेकिन उनको सारी बुजुर्गों का जो एक अपना अनुभव होता है, एक पिता का अनुभव होता है आदरणीय अभय मित्रा जी, और हर आदमी जो बुजुर्ग होता है।